साथी यहाँ पर और जर्सी नंबर 10 हरों का खिलाड़ी सिसई चिलकरा शॉट लगा बात बड़े बुनियाद और बहुत ही सुंदर और इस तरह से वीरभूम बंगाल की तरफ से ये पहला गोल हो चुका है। अब यहां से मोती पहाड़ी की तरफ से पहला शॉट के लिए खिलाड़ी आएंगे। गनो 35 मिनट तक गनो खिलाड़ी को लगा था पुन बुझा दाया करा पेरिस करने की इतर करा जबी इतर करा अगर उन्हें कर मिया 35 मिनट का तय बुझो मैं बार हाफ रे 70 मिनट गलती हुई और यहाँ पर पहला शॉट इस बार मोती पहाड़ी की तरफ से और यहाँ पर बाएं पैर से शॉट लगाया लेकिन सुंदर से धनंजय का अच्छा से वहां पर और इस तरह से मोती पहाड़ी का पहला शॉट मिस हो गया है। जेम से शॉट लेना और इस खिलाड़ी को मैं समझता हूँ आज कोई भूले नहीं होंगे जो शॉट लगाया था दो बार एसएसबी पंजाबी एक्सप्रेस वीरभूम की तरफ से जर्सी नंबर 8 चवाला जो शॉट जिस तरह से लगाया था हालांकि गोल कीपर उतने ही सुंदर कीपिंग रोहित यादव का मैं समझता ऐसे वैसे गोल कीपर होते हैं तो निश्चित रूप से अभी तक वीरभूम का गोल होता लेकिन ये बहुत ही सुंदर ये गोल एसएसबी पंजाबी एक्सप्रेस वीरभूम 2-2 गोल और अब देखना है यहां से गोल कीपर धनंजय वीरभूम के गोल कीपर और सेकंड शॉट के ले जाते हुए जर्सी नंबर 9 मोती पहाड़ी की तरफ से सेकंड स्थान पर अल्फ्रेड जो कि होल्डिंग मिडफील्ड से अच्छा प्ले कर रहे थे ये खिलाड़ी पलकनुमा एफसी हैदराबाद के टीम के मैनेजर कृपया करके रिपोर्ट करें सनमुल्ला कृपया करके प्लेयर को लेकर आ जाए क्योंकि छोटा रंगा के प्लेयर्स मैदान के अंदर आ गए हैं और यहाँ पर शानदार से लगातार दो शॉट को रोक लिया है वीरभूम के गोलकीपर धनंजय ने और लगातार दो शॉट को रोक लेने से मोती पहाड़ी की टीम परेशानी बढ़ गई है और 2-0 से बढ़त पर है मोती पहाड़ी के विरुद्ध वीरभूम की टीम राजेंद्र बहुत अच्छा कीपिंग यहाँ पर इस कीपर का जितना तारीफ की जाए उतना ही कम धनंजय इसका नाम है और दो शॉट को यहाँ पर रोका है इन्होंने
सिमिमोल, अगर मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है तो अपने प्लेयर्स को लेके टेक्निकल मंच के पास आ जाएंगे। आपकी अपोनेंट टीम पहुंच चुकी है और जो ऑडियंस आप लोगों ने रास्ता को जाम करके रखा है, आदर्श जी टीम लेके आइए। तो यहाँ पर गोलकीपर के लिए काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दो शॉट को रखना है इसीलिए गोलकीपर के लिए उतना आसान नहीं होता है। अभिजीत यहाँ पर गए हैं स्ट्राइक लेने के लिए। खेल के दरमियान बहुत ही शानदार की टीम था रोहित यादव का। ये बच सकता था लेकिन यहाँ पर हुआ है गोल। तीन में तीन अजामी एक्सप्रेस बीरभूम वेस्ट बंगाल जबकि एफसी मोती पहाड़ी अगर यहां से ये गोल करते हैं तो यहां पर उम्मीद को बरकरार रखेंगे। जोसेफ इसका नाम है, चीमा चुकू जैसे इसका लुक है और ये तीसरे नंबर पर जा रहे हैं। दो शॉट को रोका है, इतना बड़ा अचीवमेंट किसी भी गोलकीपर के लिए बहुत बड़ा होता है। अपनी टीम मैनेजर को खुश करने वाला यहाँ पर कीपिंग किया है टाई ब्रेकर में। तीसरे नंबर पर आए हैं डिफेंस लाइन के बहुत ही बेहतर खिलाड़ी एफसी मोती पहाड़ी की ओर से। खाता खुलने के इरादे से और ये गोल होना बेहद जरूरी है मोती पहाड़ी के लिए। और इसके साथ ही यहां पर धनंजय ने लाजवाब कीपिंग किया और जोरों की म्यूजिक होना चाहिए। नीतों का गति